नमस्कार दोस्तों, मैं सरकारी बाबा आज फिर आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन तो नहीं निकाला, पर ये अंदरूनी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि, और ये आपको 10 फरवरी तक के आसपास तक पता भी चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है। 10-12 फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2018-19 में जो उसने खुशखबरी हमें दिया वो है, रेलवे में 62,000 नौकरियाँ निकाली गई हैं। 62,000 कुछ प्लस ही हैं, इससे कम नहीं होंगी, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आपको मिलेंगी। और फ्रेंड्स, बस आप भी, मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताता हूँ कि पूरी न्यूज़ क्या है, पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, पोस्टों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो पोस्टें निकली है वो ट्रैक मेंटेनर की निकली है, ट्रैक मैन की निकली है, गेट मैन की निकली है, पॉइंट्स मैन की निकली है, हेल्पर इन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और पोर्टर, ये सब ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर निकली है। जैसा कि मैंने अभी ये पिक में आपको दिखा दिया, आप यहाँ देख सकते हो इसको, किसका किस मतलब किस पोस्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एज क्राइटेरिया, जो एज का इसके अंदर मांगा गया 18 से 31 मांगा गया। पहले ये 18 से 28 के का कुछ इसका क्राइटेरिया था, लेकिन इस बार रेलवे ने इसको बढ़ा दिया। वो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बढ़िया खबर, बहुत अच्छी खुशखबरी, जो लोग एज की वजह से नहीं फॉर्म फिलअप कर पाते थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। 18 से 31 इसका क्राइटेरिया कर दिया, 1 जुलाई 2018 से वो एज मांगेगा। तो अगली बात जो है इम्पोर्टेंट वो क्या है दोस्तों, वो है एलिजिबिलिटी। इसने 10th पास और आईटीआई मांगी है, तो आप ये देख लेना दोस्तों कि बढ़िया बात ये है कि उसने 10th पास और आईटीआई मांगी है, ताकि जिसने आईटीआई नहीं करके उसके लिए भी कुछ पोस्टें मिलेंगी वहाँ जो आप भर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने आईटीआई करी हो और 10th पास हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और मोस्टली मुझे पता है कि जो लोग भी तैयारी करें वो 10th पास कर होंगे ही। फी की मैं इसमें बात करूँ तो यूआर और ओबीसी की इसने 500 रुपये फीस बोली, और शायद आगे भी 500 ही मांगेगा। और फीमेल एसटी एससी और एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस है वो 250 तो रिफंडेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही न्यूज़ आप लोगों के लिए आगे भी लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।